उम्मे अमन, मुझे ये बताइए, जो एक दाम उठाया गया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बहुत ही अच्छा एक दाम है, क्या ये फॉलो अप आने वाले वक्त में होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हर चीज़ में इतनी एडवांसमेंट आ रही है, हर चीज़ में औरतों को आगे आगे रखा जा रहा है, चाहे वो जॉब्स हों कुछ भी हों, तो बिल्कुल इसके लिए तो होगा 100% मेरी तरफ से। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ऐसे इकदाम उठा के हम अपने शहर की, अपने प्रोविजन की, अपने मुल्क की एक सोच तब्दील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम सोच तब्दील कर सकते हैं, वरना तो औरतों को हमेशा दबाया ही जाता था। अब ये जो कदम उठाया गया, ये बहुत ज़बरदस्त है इसके। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मैम, आपका नाम? कनीस फातिमा, मुझे ये बताइए, ये जो इकदाम उठाया गया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बहुत अच्छा इकदाम है, हमें हमेशा शिकायत रहती है कि फॉलो अप नहीं किया जाता, आप क्या कहती हैं? फॉलो अप के लिए मतलब इसको आप इंश्योर करेंगे तो ऑफ कोर्स आप बार बार जिन जिन पार्टिसिपेंट्स को आप ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, आप उनकी वो उसको कितना उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, आप उस चीज़ को थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट कैसे कितना अच्छा हुआ। बाकी एकदम से तो ऑफकोर्स हम सब खुश हैं और हम इसीलिए यहाँ आए हैं कि हम इस फैसिलिटी को अवेल करें और इस अपॉर्चुनिटी से हम फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, पास के अंदर मोहतरमा फातिमा जिना गुजरी हैं, बेनज़ीर भुट्टो थी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मलाला यूसुफ़ज़ई, ये सब वुमेंस के लिए ही काम करते हैं, तो कनीस फातिमा पर्सनली वुमेंस के लिए क्या काम करती हैं? मैं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कराना चाहूँगी हमारी वुमेंस में, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा रही है और हमारे हर घर में सोर्स ऑफ इनकम का बहुत इशू चल रहा है, जबकि वुमेंस को ये नहीं कंसिडर किया जाता कि वो कुछ कर सकती हैं, उस चीज़ में वो हाथ बटा सकती हैं किसी फील्ड में जाके। तो मैं इस चीज़ को थोड़ी सी मैं इंश्योर कराना चाहूँगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड कराना चाहूँगी कि देयर इज़ समथिंग, वो कुछ कर सकती हैं, वो भी किसी का वो पार्ट बन सकती है और यहाँ पर वो भी थोड़ा सा उसका हिस्सा बन सकता है, तो देर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर हर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वुमेन को उठाना कहीं ना कहीं मैन को डिफीट करना है? आई डोंट थिंक सो, अगर ऐसा सोचेंगे तो ये तो हम तो बिल्कुल जहालत के उस पॉइंट से बाहर ही नहीं आना चाह रहे हैं, अगर ऐसा है तो। यहाँ पे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की बात है और यहाँ पे अपने सेल्फ इस्टीम को लेके, अपने रिस्पेक्ट को लेके, अपनी पोजिशन को देखते हुए काम करना है, यहाँ पे अपनी मतलब हलाल रोजी कमाने वाली बात हो रही है, ऐसी कोई बात तो है नहीं मेरे ख्याल से। जो इकदाम उठाया गया है आप लोगों के लिए उठाया गया है, तो कितना अच्छा इकदाम है आप लोगों के मुताबिक? जी आप बताइए। क्योंकि मतलब आजकल लड़कियों पे ना फैमिली वाले जोर नहीं दे रहे हैं कि ना बाहर ना निकले, तो ये जो ये मतलब ये लोग कर रहे हैं ना, वो हमारे बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ताकि पता चले कि लड़कियां कितनी टैलेंटेड है, इससे पता तो चले कि लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं, लड़कियां सिर्फ घर पे रहने के लिए नहीं है, किचन में काम करने के लिए ये लोग आगे बढ़ भी सकते हैं। यानी कि अगर ऐसे और भी NGOs जो काम कर रही हैं सिंध हुकूमत के साथ जो है, अगर ऐसे इकदाम उठाएँ, तो आपको नहीं लगता कि वुमेन कहीं ना कहीं मैन को डिफीट कर जाएंगी? बिल्कुल कर जाएंगे। हाँ, अच्छा चलें, ठीक है, मैं एक सवाल आपसे करूँगा कि चलें आप बाइक चलाना शुरू कर देंगे इस ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे कि कहीं ना कहीं पहले जो है हम पे ऊपर डिपेंड करती थी, अब जो है हमारी लड़की खुद इंडिपेंडेंट हो गई, आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे पूरी बिल्कुल हेल्पफुल है, बिल्कुल हेल्प करें, वो इजाज़त दे रही है, क्योंकि वो दूसरी फैमिली की तरह नहीं है कि घर पर बैठे रहे, मेरी फैमिली ऐसी है कि मुझे इजाज़त दे रही है कि तुम आगे बढ़ो, मेरी फैमिली के लिए मुझे तो मैं इतनी हेल्प मतलब थैंकफुल हूँ मेरी फैमिली के, तो मुझे उन्होंने आगे बढ़ने दिया।